नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है सिविल नोटबुक की एक नया वीडियो पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन के बारे में। तो पहले हम लोग समझते हैं पाइल फाउंडेशन क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, पाइल फाउंडेशन डीप फाउंडेशन की कैटेगरी पे आता है। ओके, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर हेवी लोड कैरी कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई हाई राइज बिल्डिंग है या फिर कोई डैम है या फिर ब्रिज है, तो यहाँ पर हेवी लोड कैरी करता है। ओके, तो फ्रेंड्स, सॉयल की जो ऊपर की लेयर होता है उनमें उतना बियरिंग कैपेसिटी नहीं होता है कि ये उस हेवी लोड को कैरी कर पाए। तो इसलिए हम लोग को सॉयल की डीपर लेयर्स पे जाना पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक टिपिकल पाइल फाउंडेशन का पिक्चर दिखाया है। ये क्या है दोस्तों, एक पाइल है, ये और एक पाइल है, यहाँ पर और एक पाइल है, यहाँ पर और एक पाइल है। ओके, और ऊपर क्या है दोस्तों, ये है पाइल कैप, और इसके ऊपर क्या है दोस्तों, कॉलम या फिर ये पायर भी हो सकता है। अब लोड देखिए कॉलम या पायर के थ्रू पाइल कैप पे आ रहा है, और पाइल कैप क्या कर रहा है, इस लोड को पाइल पे ट्रांसफर कर रहा है। ओके, और पाइल क्या करता है, इस लोड को सेफली सॉइल पे ट्रांसफर कर देता है। ओके, तो ये हो गया पाइल फाउंडेशन। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन। तो पहला जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं एंड बियरिंग टाइप। ओके, तो यहाँ पर ऊपर देखिए आपको क्या दिख रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, कॉलम, लोड आ रहा है पाइल कैप पे, आया पाइल कैप के थ्रू देखिए पाइल पे आ रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे हैं, ऊपर देखिए ये क्या है दोस्तों, ये सॉफ्ट सॉइल है। ओके, और नीचे आप देख पा रहे हैं हार्ड स्टेटा। तो पाइल को हम लोग इस हार्ड स्टेटा तक लेकर आए, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों पाइल की एंड। ओके, तो इस एंड के माध्यम से देखिए जो लोड है ये हार्ड स्टेटा पे ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, एंड बियरिंग पाइल। ओके, पाइल की एंड के थ्रू देखिए जो लोड है हार्ड स्टेटा पे ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हो गया दोस्तों एंड बियरिंग पाइल। नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइल है दोस्तों फ्रिक्शन पाइल। तो यहाँ पर देखिए ऊपर सॉफ्ट सॉइल है और नीचे देखिए हार्ड स्टेटा है, बट यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर ये मान लीजिए आपका सॉइल का सरफेस है, तो यहाँ से देखिए बहुत डीप है। अगर हम लोग यहाँ तक पाइल को ले जाते हैं तो खर्चा बहुत आएगा, मतलब ये इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉफ्ट सॉइल पे ही देखिए पाइल को रखा है, और यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन के माध्यम से हम लोग लोड को ट्रांसफर कर रहे हैं जमीन पे। तो देखिए पाइल की लोड देखिए इस डायरेक्शन पे आ रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है। ओके, तो इस फ्रिक्शन के माध्यम से ये लोड कैरी करता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन पाइल्स। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइल है कॉम्पैक्शन पाइल। तो कॉम्पैक्शन पाइल हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर मान लीजिए सॉयल लूज है, तो उस सॉयल को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग सॉयल के अंदर जनरली वुडन पाइल्स को इंसर्ट कर देते हैं। ओके, तो इसके वजह से क्या होता है, जो सॉयल है ये कॉम्पैक्ट हो जाता है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉम्पैक्शन पाइल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइल है दोस्तों सीट पाइल। जनरली स्टील से बना हुआ होता है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सीट पाइल, एक सीट पाइल है, एक सीट पाइल है। ओके, तो सीट पाइल को हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं। मान लीजिए अंडर वाटर हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई रिवर पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग को कोफार डैम वगैरह बनाना पड़ता है। इस तरीके से कोफार डैम बनेगा, ओके, जो कि उस वाटर को रिटेन कर पाए। ओके, और इसके अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, तो वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कहीं पर हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया है और जो सॉयल है लूज है, तो सॉयल स्लाइड हो सकता है, तो उसको रिटर्न करने के लिए भी हम लोग सीट पाइल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइल है दोस्तों बैटर पाइल। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, बैटर पाइल। ओके, इंक्लाइंड रहता है, तो ये देखिए इंक्लाइंड जो फोर्सेस आता है इसको ये रेजिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों टेंशन पाइल। तो टेंशन पाइल क्या होता है, इस पाइल पे देखिए टेंशन फोर्स लगता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रांसमिशन टावर वगैरह है, तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर सकता है, जैसे कि विंड लोड वगैरह एक्ट करेगा, तो इस तरीके से ये टर्न होने का
कोशिश करेगा। तो इसके वजह से देखिए एक अपलिफ्ट फोर्स लगेगा, तो इसको रेजिस्ट कर रहा है टेंशन पाइल। ओके, तो जनरली ट्रांसमिशन टावर वगैरह या फिर टॉल स्ट्रक्चर वगैरह पे तो यहाँ पर टेंशन पाइल का यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एंकर पाइल्स, तो एंकर से ही आप लोगों को पता लग रहा है एंकर कर रहा है। जनरली जो रिटेनिंग वॉल वगैरह होता है तो वहां पर हम लोग एंकर पाइल्स का यूज करते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं फेंडर पाइल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स जो वाटर फॉर्म स्ट्रक्चर वगैरह होता है जैसे कि पायर वगैरह या फिर डॉक्स वगैरह होता है, तो वहां पर जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको डैमेज की हाथ से रोकने के लिए हम लोग फेंडर पाइल्स का यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल के बारे में। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।